हेंगा हमने के दिखाने के काम किए हैं, एक बार यहाँ नहीं आए सुशील सिंह। बगल में चोरिया गांव है, जाति भेदभाव करते हैं वो, राजपूत गांव में जाते हैं, अहिर गांव में आज तक नहीं आए हैं चाचा। जितना हम बयान देते हैं, चाहे अगेंस्ट पार्टी बयान देती है, वो सब ओपन होता है, आप लोग देते हैं, अखबार में आते हैं भाजी साहब। एकदम आएगा, हमारा चैनल पे चढ़ेगा ये। एकदम एकदम हमारा चैनल पे चलेगा। बेकार देना ही बेकार है। ऐसा बूथ है कि औरंगाबाद जिला के नंबर वन बूथ है, यहाँ जितना वोट पोलिंग हो जाता है पूरे औरंगाबाद घूमिएगा गांव में ना, उतना पोलिंग कहीं नहीं है। उनका भाजपा वालन है, हम लोग हिंदू नहीं हैं। जो भाजपा के खिलाफ कर रहे हैं वो हिंदू नहीं है क्या? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार, आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज। जनबोल न्यूज औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे उनके मुद्दे क्या होंगे और किस आधार पर वोट करने के लिए जाएंगे। आइए जानने की हम प्रयास करते हैं। क्या चाचा, क्या नाम हुआ? राम लखन यादव। क्या होगा इस बार चुनाव में? ठीक है, तब क्या माहौल है? ठीक है तो है, ठीक है। हाँ ठीक है। 19 तारीख को वोट है? हाँ 19 तारीख देने जा रहे हैं। हाँ, तब कौन जीतेगा इस बार? जीतने के लिए तो भाग की बात हो गया है ना। सुशील कुमार सिंह यहाँ का 15 साल से सांसद है, कितना विकास उन्होंने किया आपके गांव में? वो उतना तो बताना मुश्किल है, हम लोग का है विकास हुआ है उतना हम बताना मुश्किल है कि कितना विकास हुआ। क्या पेंशन मिल रहा है आपको? हाँ पेंशन तो हमको मिलता है। मिलता है? राशन कार्ड वगैरह है? ना। आयुष्मान कार्ड है? ना। नहीं है ना। तो सरकार से केवल पेंशन का लाभ मिल रहा है? पेंशन। आवास योजना का लाभ मिला आपको? ना। पक्का का मकान? ना। नहीं मिला? ना। क्या बाबा, क्या हाल है? वही बता के खुशी है। आपको पेंशन मिल रहा है? हाँ देखा है, दिल में टाई पर रहा है, वो सब कर रही है। कौन सब कर रहे हो? सब टाई पर कटनी कर रही गोर चोर वही। अच्छा तो वोट कहाँ दबो अबरी? आप देखा जहाँ देते तहाँ देखल देते। नरेंद्र मोदी के चिन्हो हो? हाँ चिन्ह थी सबके। लालू यादव के? वो गिर लेते एक दफे तब हमारे इतना ख्याल है सब रेगर। हाँ आइए और युवाओं से जानने की हम कोशिश करते हैं। बताइए अग्निवीर योजना से कितना खुश हैं आप? अग्निवीर से बिल्कुल खुश नहीं है। 4 साल नौकरी नहीं होता है। मेहनत करते हैं जीवन भर के लिए, देश के लिए शहीद होने के लिए फौजी तैयारी करता है और 4 साल की नौकरी कुछ नहीं है। मोदी 5 साल के 15-20 साल बनना चाह रहे हैं। मोदी जी ये कह रहे हैं कि आप 4 साल के लिए देश के हर लोगों को देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पे जाना चाहिए, तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए। नहीं कारण है, बता पाते हैं 4 साल के लिए, उसके बाद 18 साल के लिए नहीं नौकरी मिलेगा तो बाल बच्चा 4 साल में तो मेरा बच्चे ब्याह होगा है तो मेरा बाल बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? 4 साल पढ़ लेगा, 18 साल नौकरी करेंगे तो बाल बच्चा पढ़ लिख के मैट्रिक पास होगा तो रिटायर करेंगे हम 18 साल के बाद, तो उकरा बाद भी लड़के के पढ़ाने के लिए विकास करने का मौका मिलेगा। तो अब देश सेवा के लिए जा रहे हैं ना आप? देश के लिए जा रहे हैं। 4 साल के कोई नौकरी नहीं करेगा कोई जात हो, बहुत जात हो। क्या जी, देश सेवा के लिए नहीं जाएंगे? नहीं जाएगा आदमी देश सेवा, मियां बीवी भूखा रहेगा, देश सेवा कैसे होगा बताइए। तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि हर गरीब महिला को हर परिवार में 1 लाख रुपए का मदद करेंगे, क्या कहेंगे? तो ये तो सही बोल रहे हैं, मिलना चाहिए 1 लाख। मोदी जी कहे कि 15-15 लाख देंगे, हाँ। नहीं दिए, कहाँ गए? कहाँ गया 15 लाख? कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार? कहाँ गए मोदी जी? मोदी जी सब कंपनी ले जाके गुजरात में लगवा दे रहे हैं, और बिहार के आदमी जा रहा है दिल्ली तो गुजरात 10,000 कमाने के लिए। तो मोदी जी तो कुछ कर नहीं रहे, खाली जुमला दिए। और तेजस्वी हमको 17 महीना में जो काम 17 साल में न कर पाई बीजेपी और नीतीश कुमार, वो 17 महीने में करके दिखा दिए। तेजस्वी कुमार कह रहे हैं 17 हमारा सरकार था, हम दिए नौकरी, तो अब क्यों नहीं कर रहा? पहले क्यों नहीं कर रहा था? और जब तेजस्वी के जोरे मिला तभी क्यों किया? वो तो बोल रहे हैं उनके माता पिता के सरकार में तो 5 बजे पहले लोग घर से निकल नहीं पाते थे। अरे 20 साल पुराना बात, 30 साल पुराना बात ना करना है, आज के बात करना है हमको। आज क्या चल रहा है यहाँ पे?
20 साल और 25 साल पुराना क्या बाप दादा दादी के बात ना करना है, आज हमको क्या जरूरी है, आज हमको रोजगार जरूरी है, अच्छा शिक्षा के जरूरी है, सड़क के जरूरी है कि नहीं। तो ये जो बेसिक जरूरी है उस पर बात होना चाहिए। पुराना बात मोदी करता है, राम राज्य के बात करता है। एक टोटो वाला तो कह रहा था कि अगरबत्ती जलाएंगे तो टोटो चले लग जाएगा, चलेगा? आप बताइए कि चलेगा? तो मंदिर बनवा दिया है तो घंटा जग बजाइएगा ना जी। अरे घंटा तो बजाइए रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमने घंटे बजा रहे हैं खाली। और गुजरात वो मोदी ले जाके सब, मोदी और अमित शाह सब गुजरात में फैक्ट्री दे दिया है, बड़ा बड़ा सब कुछ जो भी योजना है सब ले जा रहा है गुजरात में। बिहार में बैठको ना करता है, यहाँ कुछ रोजगार हो, यहाँ पे कुछ अच्छा काम हो, उसके लिए बैठक भी नहीं किया है मोदी। बिहार में कहाँ चीनी मिल हम खोल दिए हैं, कहाँ चीनी मिल है? और एक स्मृति ईरानी उसको कह रही थी कि 13 रुपये किलो चीनी देंगे, कहाँ 13 रुपये किलो मिला, कुछ ना मिला। यहाँ पे भूखे मरे के कगार पे बिहार। 5 किलो अनाज दे पेट नहीं भर रहा है? 5 किलो अनाज में कुछ होता है? ओकरा 20 किलो अनाज देंगे रहेगा वो मोदी? मिलता था तो ठीक है, 5 किलो से कुछ होना जाना नहीं है, काम उसको यहाँ ठोस काम करे पड़ेगा। यहाँ का विकास करने के लिए ठोस काम चाहिए। जो तेजस्वी ठोस काम किया, 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, आप क्या ठोस करेगा? सुनिए, मैं हूँ अभी बिहार क्षेत्र, बिहार राज्य में हूँ, औरंगाबाद जिला है। 370 के यहाँ कोई मैटर नहीं है, यहाँ से 370 के यहाँ मामला ही नहीं है। यहाँ मामला क्या है, यहाँ पे गरीबी मामला है, यहाँ पे शिक्षा मामला है। और आप 370, आप पत्रकार भी तो वही पूछ रहे, गोदी मीडिया के यहाँ आप काम कर रहे हैं। मुद्दा यहाँ के उठाइए, मेन मुद्दा उठाइए यहाँ के, गलती है भैया। क्या है मेन मुद्दा यहाँ का? अब आप रोड बताइए रहे, आपको कंपनी खुलना चाहिए अच्छा, यहाँ अस्पताल खुलना चाहिए, ये नहीं कि जाते जाते मर जाए, हमको बगल में इलाज होना चाहिए बढ़िया। अस्पताल है बगल में आपका? 15 साल में सुशील कुमार सिंह क्या विकास किया बताइए? ठेंगा हमने के दिखाने के काम किए हैं, एक बार यहाँ नहीं आए सुशील सिंह। बगल में चोरिया गांव है, जाति भेदभाव करते हैं वो, राजपूत गांव में जाते हैं, अहिर गांव में आज तक नहीं आए हैं चाचा है? नहीं बात को कहा जाए चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ से हमको नहीं मतलब है, हमको यहाँ काम चाहिए, हमको रोटी अनाज चाहिए। 5 किलो नहीं चाहिए, पूरा पूरी चाहिए। आपको रोटी नहीं मिल रहा है? अरे किसान हम नहीं, मेहनत करके अपना कमा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, बाहर जाना चाहिए हमको। कितना हमको बिहार कितना दिन से बना है? आप पढ़िएगा नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगा? अभी 5600 रेलवे में दिया, रोकनी ना मिलेगा। 10,000 कमाने वाला कुछ जीवन यापन के लिए कौन व्यवस्था करेगा? सरकार है ना व्यवस्था करेगी कि छोड़ के चले जाए यहाँ से हमने? सरकार बोली है कि मुद्रा लोन के तहत सबको 10 लाख रुपए मुहैया। हाँ मुद्रा लोन मिला, एक को मुद्रा लोन हमको गांव में नहीं बटा है, एक को मुद्रा लोन नहीं बटा है, कहाँ मुद्रा लोन है? सब फोकस बोकस बात है, सब जीरो काम मोदी जी किए, कुछ ना काम किए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जानिए रहे हैं? हाँ, क्या बताइए? चंदा ले रहे हैं ठीक है, धंधा दे रहे हैं और धंधा दे रहे हैं, ये क्या तरीका है? काम कंपनी जो काबिल हो उस आदमी को धंधा मिलना चाहिए, ये नहीं कि बोलते हैं हिंदू राष्ट्र और सब मीट मटन वाला कंपनी से चंदा ले रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? बोलिए ठीक है, मछली खा रहे थे एसपी यादव ठीक है पहले नवरात्रा के पहले। अरे भैया इतना ही दुख है हमने के, वो मछली और मुर्गा और राम भगवान करते हैं उन्हीं दोनों पार्टी, उससे काम ही ना चलेगा। काम यहाँ पे दूसरा करना है, मछली की बात करना ही बेकार है, मछली और मुर्गा की बात कर रहे हैं आप, और यहाँ भूखे मर रहा है आदमी। बात करना चाहिए भूख के, भूखमरी से मर रहा है आदमी। आइए हम पूछते हैं, भूख से मर रहे क्या जी? भूख से मर रहे हो? भूख से मर रहे हैं? नहीं है, मर रहे हैं। तुम इतना तंदुरुस्त कहते हो? तंदुरुस्त है, उधर हम लोग किसान आदमी, किसान आदमी हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो खा रहे हैं। अरे हम लोग खेत में मेहनत कर रहे हैं, अनाज पैदा कर रहे हैं तब खा रहे हैं, तब खा रहे हो। मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। इस बार मोदी जी को यहाँ एक भी वोट नहीं मिलेगा, यहाँ RJD के 1500 वोट पोल करते हैं हम लोग RJD का। हाँ सुशील कुमार सिंह नहीं जीतेगा? सुशील सिंह कुमार सिंह यहाँ आए भी नहीं किए, कभी झांकी मारने नहीं आए 15 साल में। यहाँ देखे उनका चेहरा देखे हैं मगर यहाँ नहीं आए हैं। नहीं आए हैं, आइए और लोगों से जानते हैं। उनको से लीजिए, वो बड़े भैया से लीजिए, ऊपर बैठे। क्या जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम कपिल देव सिंह यादव हुआ। क्या जी? कपिल देव सिंह यादव। कपिल देव सिंह यादव, सिंह और यादव नाम में क्यों लगा? निकलेंगे भैया, क्या मतलब है? कडवे पर वही वहाँ से बना के दे दिया है कि कपिल देव सिंह ही तुम रहो। कपिल देव सिंह यादव, ये टाइटल समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझाइए हमको। हम यादव हैं,
तो यादव सिंह काय लगाए हैं? सिंह हम लगाए हैं, पदाधिकारी लगा दिया है। अच्छा, पदाधिकारी की मोहब्बत हो गई आपसे? अब हो गया है, विशेष हो गया है, तभी ना लगा दिया है। बताइए, सिंह यादव अब लगा दिया? हाँ, हम नहीं लगाए हैं। अच्छा, चूंकि हम ये काम हमारा नहीं है, जैसे आधार कार्ड बनाना तो मेरा काम नहीं है। हम फार्म भर के दे सकते हैं, अब लगाना अगला के काम न है, क्या लिखेगा न लिखेगा, हमको जो मिला वो हम पढ़े। हम ठीक है भाई, यही हमको भी मंजूर है, जो तुमको लिखना है। मछिया देखते हैं, बीजेपी वाला है जी, आप यादव हैं? हाँ, बीजेपी वाला है। तब कहाँ बीजेपी है, भागवा लिखल है ये रखता भागवा। अरे भागवा रखता न है, भागवा रखता न है। हाँ, तो हिंदू नहीं रखता है? बीजेपी जो सपोर्ट करे वही ना हिंदू है। हाँ, जो बीजेपी सपोर्ट नहीं करेगा वो हिंदू है ना? बताइए, दोनों है, हिंदू देखिए, हिंदू 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 है, एक मिनट, हिंदू भी बीजेपी के सपोर्ट कर रहा है। कुछ मुहम्मदम भी तो है जो मैंने बोल्डली सपोर्ट करता है। है, आप गए होंगे टाउन में कभी, तत्काल में मोहल्ला में गए हैं तो देखे होंगे। क्या बताइए थोड़ा, मतलब अथी मुसलमान लोग में है कि नहीं, क्या है बीजेपी के सपोर्टर? अच्छा, या अरे कुछ तो कर्ज करता है, हम तो सपोर्टर का नाम ले रहे हैं, कर्ज करता है। अच्छा, तो हर जाति में तो कुछ ना कुछ है ही है। यहाँ से कौन बनेगा सांसद? अभय कुशवाहा। यहाँ से देखिए, यहाँ आज के डेट में जो माहौल है वो अभय कुशवाहा कन्फर्म है, अभय कुशवाहा एकदम कन्फर्म है। इतना नाराजगी कहा है सुशील कुमार सिंह से? सुशील कुमार से नाराजगी है कि बताइए, 15 साल रहे वो, 15 साल में ग्राम चतरा में एक बार भी यहाँ अभी तक नहीं आए हैं। बगल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मैंने अभी तक नहीं आए हैं, ना किसी से भेंट। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? अभी कारण हम नहीं ना बताएंगे। लोग बोला जात के कारण है, कुछ लोग बता रहे हैं कैसे फैक्टर काम करता है। ये गांव यादव का आप लोग वोट नहीं देते हैं? हाँ, कुमार सिंह को नहीं आते हैं यहाँ से, वोट उनको नहीं मिलता है। यादव लोग वोट करता है बीजेपी को? यहाँ देखिए, हम बताते हैं, यहाँ ऐसा बूथ है कि औरंगाबाद जिला के नंबर 1 बूथ है। यहाँ जितना वोट पोलिंग हो जाता है, पूरे औरंगाबाद घूमिएगा गांव में ना, उतना पोलिंग कहीं नहीं है। तो यहां से मान के चलिए कि पिछले बार तो 100 कुछ वोट बीजेपी के गया था इस बूथ से, 120 बता दे रहे हैं। अब इस बार तो आने वाला, अब 19 के बताएंगे कि कै वोट जाएगा। पूरा नाराज है आप लोग? बिल्कुल। आइए थोड़ा खड़ा हो जाइए, हमको भी बताइए क्या नाम हुआ? विद्याभूषण कुमार सिंह। विद्या भूषण कुमार सिंह। भूषण कुमार सिंह, सिंह बड़ा नाम है आपका। कैसे? विद्याभूषण कुमार सिंह लग रहा है, बहुत है ना, श्लोक टाइप का लग रहा है। तब जैसा आपको अनुभव बुझा वही समझिए। पूरा पगड़ी उगड़ी बांधे हुए टाइट करके, कुछ बात है क्या? बात क्या है? आए? बात कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तब वोट क्या होगा? वोट जिस दिन आएगा उस दिन काम होगा। काम हो जाएगा? क्या काम होगा? जो काम करना है करेंगे। अरे बता दीजिए, बताने से क्या फायदा मिलेगा आपको? अरे लोग जानना चाह रहा है। नहीं नहीं, अपने वोट अपनी आत्मा के तहत से निकलता है और दिया जाता है, बताने के जरूरत नहीं है। वोट कैसे कर दे, किस आधार पर करते हैं? आधार पर, काम के आधार पर करते हैं। काम के आधार पर करते हैं। काम हुआ है? काम हुआ है। क्या काम हुआ बताइए? काम तो बहुत हुआ है। क्या बताइए? 4-5 काम गनवाइए हमको। पीसीसी हुआ है, खरौंजा लगल है। क्या लगल है? पीसीसी होल है, खरौंजा लगल है, ओरिन बोरिन सब धसल है, एने हाई स्कूल बनल है। काम तो हुआ है। काम हुआ है। प्रधानमंत्री के द्वारा कौन सा काम हुआ ये बताइए? प्रधानमंत्री के द्वारा तो बहुते काम हुआ है। बहुते में तो अनेको गिनाई दीजिए, दो चारों को बताइएगा तब न जाने। प्रधानमंत्री का काम है कि पूरे किसान को हर महीना में 2000 रुपये आता है खेती करने के लिए। हर महीना में 2000 रुपये आता है।
दो महीना में नहीं आता है, साल भर में 6,000 रुपया हमर जो आए 500 का महीना, हाँ वो देता है। इसका मतलब गड़बड़ आदमी है हमारा। कैसे आप बोल रहे 2,000 का महीना? अरे हमको जो गुआ कहेगा सुनते वही कहते आपको नहीं मिलता है, हमारा ना मिलता है काहे? हम किसान है ये नहीं है, आप क्या है? हम तो पब्लिक है, आम जनता है। आम जनता है तो किसान नहीं है आप? किसान गांव के लोग हैं, गांव के लोग किसान करते हैं। करते है, कैसे खाते पीते है, परिवार कैसे चलता है? हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। तो ये को बताए कि 6,000 रुपया सालाना मिलता है, और बताइए। और जो है कि बहुत ही जो प्रधानमंत्री भारत का तो काम ना किया है, ऐसा बात थोड़े आप पूछ रहे हैं कि ड्राइवर है? ड्राइवर तो मोदी जी के बड़े खिलाफ है जी, अभी एक लाया गया, एक्ट लाया गया। देखिए किसी को खिलाफ करके अगर काम करना चाहेगा तो काम नहीं होगा। अरे व्हीकल एक्ट जो आया पड़े हैं क्या, इसमें क्या है? ड्राइवर वाला जो एक्ट आया है, ड्राइवर का तो धक्का मार दीजिएगा तो उसको अस्पताल पहुँचाना है, और अस्पताल नहीं पहुँचाइएगा तो आपको 10 साल का जेल हो जाएगा। इसी चलते तो सब ड्राइवर सुधर गया कि ना ज़्यादा चलेंगे ना किसी को मारेंगे हैं, ज़्यादा हम ना चलेंगे तो कहला किसी को मारेंगे हम? गलती लग गया तब? गलती तो ऊपर वाला जन्म दिया तो उसको भी से गलती होता है कि इसको खींच के हुक लगा के ले जाएंगे हम। अच्छा गलती तो वो भी करता है कि जो हमको यहाँ पैदा करके भेजा चतर धरती पर, वो भी गलती किया है। गलती तो हर इंसान से हो सकता है। कुछ है ही ना ऊपर में दिखा रहे हैं आप, ऊपर वाले जो जी डूब रहे हैं, पूर्व रुगल है ना, अब पश्चिम में डूब रहे हैं वही हैं। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन है ऐसा? हाँ तो वही ज्योग्राफिकल कंडीशन, हम लोग पब्लिक हैं, आए हैं और जाएंगे। आए हैं तो जाएंगे, जाएंगे जो आया है वो जैवे करेगा। जैवे बड़ा दार्शनिक आदमी लग रहे हैं महाराज। क्या कह रहे हैं, जितना विवेक काम करेगा उतना बात करेंगे। विवेक तो आपका बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आप ही का विवेक काम कर रहा है। चलिए ठीक है, नहीं थोड़ा और बता दीजिए अभी ठीक कहाँ है आप? क्या कहें, आप तो बहुत से आदमी है लोग, आप अभी एक ही काम गिनवाए हैं 2,000 रुपया जो मिलता है, और बताइए। हाँ और बताइए, और एक दो बात, एक दो तीन को काम और बताइए। और वह आधार कार्ड डिपुट किए हैं सबके, पहले वोटर कार्ड था बनल। आधार कार्ड से कुछ ही फायदा हो रहा है? आधार कार्ड से कि आपका इंश्योरेंस फोटवा ले रहा है भाई, आपका हाथ का ले रहा है, इससे फायदा क्या हो रहा है? जो भी है लेकिन वो आदमी जो भी काम किए सही किए हैं, और किए हमको बताइए। महंगाई है? महंगाई तो बहुते है। बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो बहुते है। है तो फिर बोल रहे हैं, सुशील कुमार सिंह को पहचानते हैं? खूब अच्छे से। कौन है? संसद थे और संसद हैं अभी। संसद थे और संसद हैं? हैं। कभी देखे हैं उनको बढ़िया से? हाँ। कहाँ? औरंगाबाद में। यहाँ आए आपके गाँव में? आए थे। आया था जी, अब बताइए आप लोग आया था? नहीं। आपके सामने सब बोल रहे हैं। अब नहीं आए थे तो कैसे जानकारी के संसद थे? अगर नहीं आए आए होंगे जी, आप बताइए तो। अच्छा नहीं आए होंगे तो कैसे आदमी के जानकारी को संसद हैं? मोदी आए हैं? मोदी आए हैं कि नहीं आए हैं? लेकिन उनको जानकारी है ना आदमी की प्रधानमंत्री हैं? जानकारी चल गया है? चल गया। हाँ जिस जैसा चला जाएगा, जो भी बात बोलेगा वो चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा वो। सुशील कुमार सिंह बोल रहा है, इवे ने किया, बोल रहे आए हैं, कैसे होगा? पहले आते थे, अब इन्हें 3-4-10 बरस से नहीं आ रहे हैं। 3-4-10 बरस से नहीं आ रहे? हाँ बरस हो गया। हाँ 10 बरस हो गया तो देखे नहीं किया? देखे हो जी? नहीं देखे? नहीं देखे? नहीं देखे हो? किसको नहीं देखे हो? अरे किसको नहीं देखा है? सुशील सिंह के? सुशील सिंह को नहीं देखा? नहीं देखा। नहीं 10 साल का ये देखे नहीं किया है? क्या कहें, तो 10 बरस में जो छोटा छोटा बच्चा नहीं देखा थोड़े कहेगा कि संसद से आए हैं कि ना आए हैं। भाई देखना चाहिए ना, देखना चाहिए ना, भेंट करना चाहिए ना कम से कम। कौन करेगा अभय कुशवाहा करेंगे? देखिए अभय कुशवाहा करेंगे कि ना करेंगे तो आएबे किए हैं, और आने वाले दिन में वो बताएंगे कि हम करेंगे कि ना करेंगे। जैसे आए हैं यहाँ इस गाँव में? ना ना आए हैं, सुने हाँ नॉमिनेशन किए थे तो सुने थे कि हम चतरे पहले आएंगे। उनको फूल रख के बैठका में अभी तक सूखल होगा खुटी में, अभी तक नहीं आए हैं। नहीं आए हैं, इंतजार में सब है? इंतजार में है ना। जान रहे हैं वोटवा मिलिए जाएगा तो कहले जाएंगे? वो तो हम ना जानते हैं कि हमारा दादा पूरा पहलवान थे, तो हम कहाँ पहलवान हैं, हम ही जानते थे। आप तो पहलवान लग रहे हैं जी। ना ना वैसा बात नहीं है। इतना चावल दाल गेहूं मिल रहा है सरकार से, फिर भी आपका देख रहे हैं सब पाउडर फटा रहता है, पूरा लीवर मार दिया पूरा खाने वाला लीवरे मार दिया। वो सब चावल दाल मिलना चाहिए,
नहीं तो मोदी जी दे रहे हैं, बोल रहे हैं मोदी जी अच्छा वो तो दे रहे हैं कि भाई गरीब जिंदा रहे, देखे उसे गरीब कितना जिंदा रहते हैं क्या करते हैं, इसलिए आपका धसल जा रहा है बताइए। प्रमुख साहब आ रहे हैं, प्रमुख साहब हैं, क्या चीज का प्रमुख है? वो भूतपूर्व प्रमुख ग्राम पंचायत के थे। अच्छा आइए। अरे सुनो, भाग रहे हो तुम, भाग कहाँ जा रहे हो? काला गमछी रखे हो जी, बताओ है? नजर उजर लग रहा था ना? नजर ना लग रहा है। तब क्या करते हो? पढ़ते हैं, पढ़ते लिखते हैं। पढ़ते हैं और पढ़ते हैं और लिखते हैं। लिखते हैं, किस क्लास से पढ़ते हैं? इलेवेंथ। इलेवेंथ क्या है? साइंस या आर्ट्स है? साइंस। साइंस में क्या, बायो रखे हो मैथ रखे हो? बायो। बायो रखे हो तो सब पढ़ लिया बढ़िया से ना? अभी तो पढ़ रहे हैं। कौन चैप्टर तुम्हारा बढ़िया है बायोलॉजी में? बायोलॉजी तो पढ़ने में कौन मन लगता है ज़्यादा? अभी तो पढ़िया रहे हैं तो। अच्छा चैप्टर का नाम क्या है? क्या जी? अच्छा चैप्टर जो बढ़िया मन लगता है तुमको? अच्छा जीव जनन। जीव जनन रिप्रोडक्शन। यस यही। तो क्या पढ़े हो? देखिए अब जा रहा हूँ। क्या चाचा, क्या हाल है? अपना बताइए। बढ़िया है, आप कैसे हैं? आप बताइए ना, आप ठीक हैं? ठीक है, आप बताइए। आप लोग तो बड़ी फेवर करते हैं। किसका? रूलिंग गवर्नमेंट को। हम लोग तो मीडिया के लोग सवाल ही पूछता है, हम लोग रूलिंग को नहीं फेवर करते। फेवर करेंगे तो यहाँ आते, बताइए तो। अच्छा एक चीज़ बताइए तो आप, जितना हम बयान देते हैं, चाहे अगेंस्ट पार्टी बयान देती है, वो सब ओपन होता है? आप लोग देते हैं, अखबार में आते हैं भाई साहब? एकदम आएगा, हमारा चैनल पे चढ़ेगा ये। एकदम एकदम हमारा चैनल पे चलेगा। बेकार देना ही बेकार है, इसीलिए आप लोग इसलिए कर रहे हैं। दीजिए ना, कोई बात नहीं है, देना दे रहा। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी के बयान आया, भ्रष्टाचारियों को जेल देंगे, ठीक है? इधर से जब बयान आता है जिसे किधर से बयान आया, मीसा के तरफ से, कि हमारी सरकार मानेगी, हम जांच करावेंगे, पकड़ाएंगे, तो हम प्रधानमंत्री के जेल भेजेंगे। कहाँ आप लोग बढ़िया से दे रहे हैं पूरा, टीवी पे तो चल ही रहा है, आपको पता कैसे चला बताइए? तो पटना में है, आप घर पर है, ठीक है? कैसे चला? लेकिन आप बड़ी भाग रहे हैं। ओहो, आप लगातार मीडिया से डर रहे हैं। नहीं, बहुत आप फेवर करते हैं इसीलिए। नहीं, हम तो आपके पक्ष में बात कर रहे हैं, बताइए ना। अब बोल रहे हम भी बैठेंगे आपके साथ। हाँ बताइए, और कुछ पूछिए, छोड़िए, और कुछ पूछिए। तब इस बार क्या होगा चुनाव में? इस बार चुनाव में तो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है। रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्यों हो रहा है? इसलिए कि इतना ना झूठ उसका बयानबाजी चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से ना, कि हम लोग परेशान। अच्छा देखिए, दो चीज़ बताइए, ये भूखमरी जो है, मैं ये जो महंगाई हुई है, चाहे नौजवान लेकिन के नौकरी वगैरह है, परेशान है सब, इसी के चलते बहुत खिलाफ है लोग, मैंने धरातल पर बहुत ज़्यादा खिलाफ है, खासकर महंगाई के चलते। आओ देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में था बड़ा बड़ा काम, राम मंदिर बनवाएंगे, 370 खत्म करवाएंगे, उनके मैनिफेस्टो में ये सब था। अच्छा था। वो मैनिफेस्टो में उतरा है? देखिए मैनिफेस्टो वो तो ठीक है, लेकिन उसको तो भाजपा के कार्यालय बना दिया गया। हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग भगवान की पूजा नहीं करते, मंदिर नहीं बनाए हुए हैं, कहते हैं कि वहाँ से भागते हैं लोग, राम मंदिर नहीं जाता है, तो उसका बहिष्, जब आप जाइएगा, जिस दिन जाइएगा वही दिन हम लोग भी जाएंगे, बताइए तो। राम जी के खिलाफ ना लोग बोलते हैं? राम जी के खिलाफ कौन बोला? तेजस्वी जी के एक मंत्री थे, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी। अच्छा, वो बोलते थे कि राम जी तो काल्पनिक हैं। वो तो खिलाफ हुआ, व्यक्तिगत उनका सुझाव हुआ, उनका तो व्यक्तिगत नहीं सुझाव हुआ कि काल्पनिक हैं। आप ओरिजिनल, हम तो नहीं उस पर ज़्यादा जाना चाहते हैं, आप ओरिजिनल मानते हैं क्या? आप बताइए तो, आपसे हम पूछ रहे हैं कि राम जी के ओरिजिनल आप मानते हैं? आप बताइए, देखिए आप जवाब दीजिए, उधर घुमाइए, क्या बात करते हैं? सवाल पूछने के लिए नहीं, नहीं आप आपकी बात को दिखाएंगे, दिखाइए आप भी तो, इसीलिए हम कह रहे हैं, जब आप नहीं उनको मानते हैं, उनका व्यक्तिगत यह था, हम लोग तो इसे मानवे करते हैं, हम लोग तो देवता के मानवे करते हैं, हिंदू का भाजपा वोलन है, हम लोग हिंदू नहीं हैं,
जो भाजपा के खिलाफ कर रहे हैं वो हिंदू नहीं है क्या? तो राम मंदिर बनवाने के लिए बहुत बढ़िया बात, भाजपा ने आंदोलन किया, आरएसएस ने आंदोलन किया, उसने कहा कि हमने शहादत दिया है। आंदोलन से नहीं ना भाई, तो कोर्ट के द्वारा। और लालू जी ने राम मंदिर के जो रथ यात्रा आया था बिहार जब आया उसको रोक दिया गया समस्तीपुर में, तो रोक दिया। देखिए वो प्रशासनिक दृष्टि से रोका गया ना, कि हो सकता है कहीं राइट हो जाए, इस तरह से रोका गया था कि राम के टर्म को। और भी कहा जाता है लालू जी ने जंगल राज ला दिया था, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने नारा दिया भूरा बाल साफ करो, ऐसी बात कही जाती है। उस कही जाती है, आप बताइए कि भूरा बाल के मतलब उस समय वो जानते होंगे कि भूरा बाल मैंने कहा होता है वही भूमिहार राजपूत ब्राह्मण, यही होता था फुल फॉर्म तो यही है ना। आप न, आप ही लोग ने निकाले गढ़ है इसको गढ़ है कि भू से भूमिहार लालू जी जन्म करते थे क्या लड़का तो है कुछ जब अति करना जाए ना लड़कियों से ली जाए, ताकि लड़कियाँ आज के बड़ा दूसरा टाइप का हो गया है। देखिए उस समय लालू जी जानते थे कि भूरा बाल जो आप लोग माने निकाले, आप लोग मीडिया वाले के नहीं सब ये था देन था, भूरा बाल के निकाले कि भू से भूमिहार, र से राजपूत, ल से लाल, ये सब निकाले। वो तो भूरा बाल जैसे एक आपके सर में एक ठो पकल बार है कि उसको निकाल दीजिए, उस साला ढेर अति कर देगा। उनका कहना ये था कि मैंने उसको साफ कर दी, ये तो नहीं था, लेकिन आप लोग गढ़ते गढ़ते उसको चार को जाति के निकाल के जनता के बीच में ला दिया कि वो तो फॉरवर्ड के विरोध कर रहे हैं। विरोध कहाँ किए थे, ऐसी बात तो थी नहीं। उनके समय नरसंहार बहुत होता था। नहीं, गलत चीज़ है नरसंहार, तो जो हमारे के यहाँ औरंगाबाद तो नरसंह हुआ 68 या 59 उस समय तो मुख्यमंत्री ये थे किए थे, यहाँ बघौरा में हुआ था 68 या 59 को, कौन मुख्यमंत्री थी थी कोई राजपूत थे मुख्यमंत्री, उसे मुझे तो लालू जी थे नहीं, तो इसे तो कोई जरूरी है नरसंहार तो ऐसा तो उनके साथ हुआ था, कुछ हुआ था, जैसे कि ये हुआ था आपको अरवल के पास एक जगह अभी क्या नाम था, अभी यहाँ हुआ था गोह में कहीं, ये सब चीज़ तो होता था उनके टाइम में। वो उनके टाइम में ना बहुतों के टाइम में होता था, बहुतों के टाइम में। आज नरसंहार ना हो रहा है, 2 गो हो रहा है, 4 गो हो रहा है, तो और क्या कीजिएगा, मर रहा है ना। तो इस पर वोट कहाँ जाएगा आप लोगों का? वोट देखिए बतावे की चीज़ नहीं ना है, आप लोग सोसाइटी का आपके समाज के लोग आप बताइए कि ये हम ये है मैंने बतावे खातिर है कि किसको वोट देना है। नहीं, बात सही है, लेकिन एक मुद्दा होगा किस आधार पे हमारे यहाँ लोग वोट करेंगे। नहीं नहीं, हमारे समाज के नहीं, हमारा जो गरीब गुरबा है पिछड़ा वर्ग अधिकतर लोग है, हम ना वहाँ ना हम उसके नाम पर वोट होगा। तो आप देख रहे थे जनबोल न्यूज, और हमने चाचा से बात करने की कोशिश की, अपनी बात बहुत बेबाकी से रखा, और यहाँ के युवाओं ने भी अपनी बात बहुत बेबाकी से रखने का काम किया। बाकी आपके क्या विचार हैं इनके बातों पे कमेंट के माध्यम जरूर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, धन्यवाद।